गीगा स्पीयर फेंकते हैं, इससे तो पकड़ लेंगे मे भी। 100 HP तो पकड़ा जाना चाहिए। 20, 40, 50, 60, 90, 100, नाइस। तो पिछली वाली एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि मैंने ना ग्रीस बॉट को पकड़ा था, जो कि बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। उसका HP 30,000 होता है, बट मैंने एक ग्लिच का यूज़ किया जिसकी वजह से मैंने उसको ईजिली मार दिया। एंड मैंने एक डार्क टाइप पोकेमॉन को भी पकड़ा जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो कि अभी मेरे पार्टी में तो नहीं है। ओके, मेरे पार्टी में ही है। मैंने इसको पकड़ा था लास्ट वाली एपिसोड में, जो कि लेवल 21 का है। एंड मेरे आसपास ना एक भी पोकेमॉन को ये जिंदा नहीं रहने देता, सबको मार देता है। तो अब तक ना हम लोगों ने बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर कर लिया, आप मैप पे देख सकते हो, बहुत जगह मैंने अनलॉक कर लिया है। एंड मैंने ढेर सारे बॉस पोकेमॉन भी मारे, जैसे बूसी को भी मैंने मार रखा है, किंग पाका को मार रखा है मैंने, अजुरोप को भी मार रखा है। एंड ये सारे पोकेमॉन्स मैंने पकड़ के अपने घर में रखा है। बट आज के इस वाले एपिसोड में ना हम इसको मार सकते हैं, नाइट विंग को, जिसको हम लोगों ने मार रखा है, बट इस लोकेशन पे जाके नहीं मारा है, इसलिए यहाँ पे टिक नहीं आ रहा है। तो हम इसको मारेंगे एंड हम इसको भी मार सकते हैं, ये लेवल 28 का है, इसको ट्राई कर सकते हैं मारने का, जबकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। ओके, सामने लेवल 15 का डायर आउल है, इसको तो हम लोगों ने पकड़ रखा है, इसको पकड़ के क्या ही फ़ायदा होगा। बट ना मेरे को एक अच्छा पोकेमॉन दिखा, हाँ इस पोकेमॉन को पकड़ सकते, लूप मून को, हम लोगों ने इसको नहीं पकड़ा है। मार, अरे पूरा स्टील गए, फेलबैट मदद कर, फेलबैट उसको मार, किसी और को नहीं, बस उसको मार, फेलबैट कर कुछ, अरे मुझे ना मार दे भाई ये। ओके, जल रहा है, जल रहा है लुकू, जल रहा है, ट्राई कर लेते हैं, वापस आ, फेलबैट वापस आ, चलो पकड़ लेंगे तो बड़े हैं, 24% पकड़ ले, ये पोकेमॉन चाहिए मुझे, एक बार ट्राई, 20%, इस बार पकड़ जाना भाई, प्लीज़ प्लीज़ आ जा, प्लीज़ आ जा, मेरे को घर भी जाना है। 53%, 90, ओके पकड़ लेंगे। अच्छा, ये लेवल 16 का सर्फेंट है, इसको भी हम पकड़ सकते हैं, हमारे पास एक सर्फेंट तो है बेस में, दूसरे वाले को भी पकड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, चल फिर बैठ मार दे इसको फटाफट। ओके, दूसरा सर्फेंट भी है उधर, बट उतना दूर नहीं जाएंगे, हमें बस एक सर्फेंट चाहिए आज के लिए। चल चल, हमारा फेलबैट वहाँ से मारेगा एंड यहाँ से ना हम इसको पकड़ लेंगे ईजिली। चलो एक ट्राई कर लेते हैं, 36%, 37, ओके नहीं पकड़ पाए, एक और ट्राई, अरे इंसाना क्यों छूट जा रहा है, चलो एक और ट्राई, 31, फेलबैट टू वापस आ, मार देगा उसको, 60, 70, ओके पकड़ लेंगे इसको, अरे इसको पकड़ सकते हैं हम भी, इसको नहीं पकड़ा आज तक हम लोगों ने कभी। एंड ये फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, जो कि फायर एंड डार्क का मिक्स है, तो इसको पकड़ना ना फायदेमंद होगा। एंड इनका लेवल भी ज़्यादा नहीं है भाई, इजिली पकड़ लेंगे, हमारा फेलबैट अकेला ही मार देगा सबको। अरे अबे कौवा, उसको मारना फेलबैट को, मेरे भाई ये सब वर्ल्ड में ना। अच्छा अभी फेंकते हैं, अभी पकड़ा जाएगा ये, 61%, ओके एक तो मर ही गया, ये पकड़ा जाएगा क्या, 80%, चलो इस बार पकड़ा जाएगा मे भी, 61, 61, 61, बढ़ जा, 82, 90, हाँ पकड़ लेंगे इसको। अरे इधर कोई अंडा है, पता नहीं किस चीज़ का अंडा, ले लेता है इसको, घर जाके ना हम लोग हैच कर सकते हैं, जिसके अंदर से अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स निकल सकते हैं। अरे मुर्गी का अंडा था, अरे अपना मुसांडा कितना 30 लेवल का हो गया भाई, हम लोगों ने जब इसको हैच किया था तब ये लेवल 1 का था, अभी ना बहुत ज़्यादा लेवल हो गया उसका, जो कि है बढ़िया बात। ओके यहाँ से स्पीयर ले लेते हैं एंड ना हमें रिपेयर करना है अपने आर्मर को पहले तो। ओके इसको भी पकड़ा था भाई हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में, ब्रॉन्ज चेरी, इसको अपने पार्टी में रखेंगे एंड ट्राई करेंगे आज ये कैसा काम करता है पहले तो। तो ये अजुरोब है जिसको मैंने पिछले वाले एपिसोड में पकड़ा था। एंड ये देखो, ये ना एक बॉस पोकेमॉन है, बहुत ही खतरनाक है। एंड हमारे पास ना पैल स्पीयर थोड़ा कम है, तो क्राफ्ट कर देते हैं, भाई कितना जल्दी कर रहे हैं भाई ये काम, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा फास्ट है यार, एक एक सेकंड में स्पीयर बना रहा है अपना मुसांडा, बहुत ही पावरफुल है ये। अरे भाई मेरे सारे पोकेमॉन मेमोरोथ से क्यों लड़ रहे हैं भाई, मेमोरोथ का HP तो कम कर दे रहे भैया लोग, बट इसको ना मैं नॉर्मल स्पीयर से नहीं पकड़ सकता भाई, बहुत ही रेयर पोकेमॉन है, लाइक ये देखो 0% का चांस है भाई, एंड सारे मिलके इसको ही मार रहे हैं। चलो मैं ना एक चांस लेता हूँ, अपने ना बेस में और भी अलग अलग पोकेमॉन्स उतार देता हूँ। अरे मेमोरोस का हेल्थ बहुत कम कर दिए भाई लोग, 0.01% चांस, ट्राई भाई। इसको ना पकड़ने के लिए हमें ना कुछ अच्छा सा स्पीयर चाहिए भाई, इससे नहीं पकड़ सकते, इससे हम इसको मार तो सकते हैं बट पकड़ नहीं सकते। एंड मेगा स्पीयर से भी अच्छा ना ये गीगा स्पीयर है, इसको अनलॉक कर लेते हैं, तो गीगा स्पीयर से तो हम उसको मे भी पकड़ सकते हैं, बाकी और भी चीज़ अनलॉक हुए हैं तो ये सबको भी ना अनलॉक कर लेते हैं हम लोग। चलो हाई क्वालिटी वर्क बेंच है, इसको ना कहीं अच्छे जगह पर बैठाना है, ये ना लंबे समय तक काम करेगा अपना, इसको ना यहीं पर बैठा देते हैं, सही लग रहा है, अब इसको बिल्ड कर देते हैं हम लोग।
डेटाबेस ग्रेड। अभी ना हम एक और पैल यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, तो हम किसको डालें यहाँ पे, लूप मून को डाल दे क्या? चलो लूप मून को डाल देते हैं, ये अपना हैंडीवर्क बहुत अच्छा करता है, लेवल 2 का हैंडीवर्क है उसका। एंड अभी तो हमारा बूसी ना नेल बना रहा है, नेल बनाने देते हैं इसको। एंड नेल बनाने का काम ना बहुत ज़्यादा स्लो है भाई, एंड इसी के लिए ना मैंने इस अपग्रेडेड वर्जन वाले वर्कबेंच को बैठाया है। एंड यहाँ पे ना हम सामान ना ज़्यादा जल्दी ना बिल्ड कर पाएंगे, हमें ना इस वाले पेटेलियो को मारना है जो कि लेवल 28 का है, एंड मेरा लेवल है 21, तो हम ना बहुत ज़्यादा लो लेवल के हैं उसके कंपैरिजन में। बट हाँ, फिर भी हम ट्राई करने वाले हैं, पकड़ लेंगे तो बढ़िया ही बात रहेगा। चलो अपना अंडा इंक्यूबेट कर लेते हैं, इसको ना मैंने पिछले वाले एपिसोड में ही रखा था, बट अभी जाके हैच कर। फालतू बिल्ली भाई, कोई बिल्ड कर दो यार। ओके, अपना ये वाला पोकेमोन आ गया, इसको तो अभी पकड़ा था भाई हम लोगों ने। इसका नाम क्या है? वैन वैमर, क्या बोलते हैं भाई, नाम ही क्या अजीब है इसका। ओके, गीगा स्पीयर कितना बना पाएंगे? 8। चलो 8 गीगा स्पीयर बना लेते हैं। चलो अभी चलते हैं अपने उस पिटेलिया को मारने के लिए, अभी ना फुल रेडी हम लोग, तो सबसे क्लोज तो यही रहेगा मे बी। चलो आ गए हम लोग, अभी चलते हैं उसको मारने, लेट्स गो। क्या लिखा है? रियल्म्स 28 लेवल का बॉस है, लेट्स गो। चलो अभी ना इसका फाइट इलेक्ट्रिक से कराएंगे, एंड ग्रास से ना फायर टाइप पोकेमोन स्ट्रांग होता है, तो इसका भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा बूसी मर गया था पिछली बार, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। स्पार्किट मार भाई उसको। ओके, मार तो रहा है, बट बस 100 HP गया है अभी भी, एंड 100 HP भी ठीक से नहीं गया, स्पार्किट डैमेज हो रहा है। थोड़ा और डैमेज होगा स्पार्किट तो इसको ले लूँगा। ओह, उसको ट्रैप कर दिया। नहीं, स्पार्किट नहीं, फ्लैम बेल ले जा तू। फ्लैम बेल इतना छोटा है, पता नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं। अजूरोप को भेजेंगे अगला हम लोग, एक एक का डैमेज सिट। अरे ये तो अजूरोप वाला डैमेज है भाई, दोनों डैमेज करता है क्या? फ्लैम बेले कर कुछ, 10 का डैमेज दे रहा है बस, एंड 60-70 का डैमेज ले रहा है। ओके, फायर से डैमेज तो हो रहा है भाई, अच्छा फायर टाइप पोकेमोन ले आता ना बूसी जैसा पोकेमोन तो मारना ना थोड़ा सा आसान हो जाता, बट कोई ना, इससे भी हम इसको मार सकते हैं। 2-2 का डैमेज दे रहा है भाई, एंड 50-50 का डैमेज दे रहा है भाई। क्या है यार, सारे मेरी पोकेमोन क्यों इतना डैमेज देते हैं भाई? हमारा पोकेमोन बस 8-9 का डैमेज दे रहा है बे, एंड ये जब डैमेज देता है तो 200 का डैमेज। अरे इतना दूर डैमेज दे रही है बे पिटालिया, पागल है क्या? मेरे मॉब से लड़ना मेरे को क्यों भाई? 50-50 का डैमेज आ रहा है, एंड फेलबैट कितना डैमेज दे रहा है भाई? बस 9-10 का दे पा रहा है भाई। अभी बस 800 HP बचा है इसको, इसको ना मारना पॉसिबल है अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि अपना ना ब्रॉन्चेरी बहुत अच्छा फाइट ले रहा है भाई, एंड दोनों ही का कलर भी सेम है, एंड दोनों ही ग्रास टाइप पोकेमोन है भाई। थोड़ा सा क्या तारीफ किया, मेरे भी मारने लगी भाई। अपना फेलबैट ही मार देगा, अभी तो पोकेमोन चेंज करने का भी जरूरत नहीं, 300 HP है, उससे ज़्यादा HP तो अपने फेलबैट का ही है। अब ट्राई करते हैं इसको पकड़ने का। डॉज मत करा बस, डॉज मत करा, बहुत ही महंगा स्पीयर है, डॉज मत करा बस। एंड हमें ना मेगा स्पीयर से इसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना ना वो नन्ना मुन्ना स्पीयर नहीं पकड़ सकता इसको। अरे ये क्या हुआ, अटक गई भाई ये तो। अगर सिर्फ मारना होता ना इजली मार देता इसको, बट वही तो नहीं करना, मुझे पकड़ना है इसको, जो कि हम इस वाले स्पीयर से नहीं कर सकते, मेगा स्पीयर से ट्राई लेना होगा। डॉज मत करा भाई, बस 2 और बाकी है, नहीं पकड़ पाएंगे मेरे को लग रहा है। थोड़ा और डैमेज देते, थोड़ा और डैमेज दे, अभी भी 2% चांस है यार। इसको पकड़ने के लिए ना हमें और अच्छे स्पीयर बनाने पड़ेंगे, मेरे को पीला वाला स्पीयर बना लेना चाहिए था लास्ट ट्राई, देखते पकड़ पाएंगे तो बढ़िया, नहीं तो क्या ही कर सकते। 41% नहीं पकड़ाएगी। ओह, लास्ट स्पीयर था भाई, देख सकते हो 0 लिखा हुआ है भाई, आखिरी स्पीयर से पकड़ लिया भाई, क्या लक था यार। अब स्पीयर भी नहीं है मेरे पास भाई, 28 लेवल वाले को मार दिया हम लोग, क्या बढ़िया मारे। एंड अभी ना हम लेवल 30 वाले को भी टारगेट कर सकते हैं, पहले तो इस डंजियों से बाहर जाते हैं। मैं ना डायरेक्ट ना इसको मारने चलता हूँ, इस वाले को। इसको मारने के लिए हमें ना साउथ ईस्ट में जाना होगा, चलो इस डायरेक्शन में जाना है हमें। अरे अरे अरे, यहाँ पे एक अंडा है, वॉर्डेंट एक, पहली बार मिला ये वाला एक। अरे इसी को तो मारना है, ये लेवल 30 का है, एंड इसका नाम तो अभी पता ही चल जाएगा इसके पास जाएंगे तो। एल्फी ड्रैन, ओके तो ये है वाटर टाइप पोकेमोन, वाटर टाइप से स्ट्रांग कौन सा होता है? फायर स्ट्रांग होता है क्या? अरे यार स्पीयर वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, बूसी मार दे यार, अपना बूसी मार देगा उसको। फायर टाइप पोकेमोन स्ट्रांग होता है वाटर से, रियल लाइफ में भी देखो वाटर को ना फायर, नहीं फायर को वाटर बुझाता है या वाटर को फायर बुझाता है बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए तो बूसी को फेंक ही दिए हम लोग। चलो अभी अग्रेसिव अटैक करेगा अपना बूसी भाई। बूसी का भी डैमेज अच्छा है भाई, 100 HP कम भी कर दिया है, बट एल्फी ड्रैन का भी भाई बहुत ज़्यादा पावर है, 30 लेवल का है तो ऑब्वियसली यार। चल पिटेलिया मार दे, पिटेलिया को हमने पिछली बार पकड़ा था, देखते इसको कैसा डैमेज देता है भाई। 2-2 का डैमेज दे रहा है,
मतलब इस गेम में ऐसा है ना, तुम्हारा पोकेमॉन कम लेवल का है तो हायर पोकेमॉन को ना कुछ ज़्यादा ही कम डैमेज देता है। जैसे इसको देखो कितना डैमेज पड़ा है, एंड ये दो दो डैमेज दे रहा है, बताओ। अरे नहीं भाई, अरे सिनेमोथ लोग मेरा मदद कर रहे भाई, इसको मार रहे एल्फीड्रैन को। नाइस, तीन तीन पोकेमॉन मिलकर एक साथ मार रहे, एक बूसी मेरा है एंड ये दो सिनेमोथ दूसरे है भाई, पता नहीं कहाँ से आके मार रहे, बट बढ़िया बात है। मारो मारो, 800 HP हो गया है भाई, बढ़िया मदद कर दिए लोग। अरे भूसी मर गया क्या? नहीं नहीं नहीं, एक शॉट भी पड़ा ना मेरे को, अभी मैं मर जाऊंगा। खाना खाओ पहले तो। भाई ये रेड रेड क्यों आ रहा है यार स्क्रीन पे? भाई समझ नहीं आ रहा है मेरे को, कुछ है क्या, क्या प्रॉब्लम है गाइस? तुम्हें पता है तो बताओ यार, आर्मर वार्मर सब है मेरे पास। बचा बचा, नहीं बच पाए। 1 to 22% चांस है, ट्राई करते हैं। जितना गीगा स्पीयर है ना, मेगा स्पीयर है, सब फेंक देंगे, पकड़ पाएंगे तो बढ़िया बात है, नहीं पकड़ पाए। एक और ट्राई, चार और है बस। शिट यार, मेगा स्पीयर से भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, गीगा स्पीयर से ट्राई करते हैं अगली बार। 34% नहीं, गीगा स्पीयर फेंकते हैं, इससे तो पकड़ लेंगे मे भी। 100 HP है तो पकड़ा जाना चाहिए। 20, 40, 50, 60, 90, 100, नाइस। सारे पोकेमॉन ने मिलकर ना उस एल्फिंड्रैन को मार दिया, बस हमारा ना बूसी मर गया यार अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं। अभी वहाँ पे ना एक अजीब सा लाइट आ रहा है, वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, चलो उधर ही चलते हैं। रॉबिन क्विल को हम लोग पकड़ा था क्या? नहीं पकड़ा था ना, पकड़ लेते हैं, रुक जाओ। चलो रॉबिन क्विल को मार, रॉबिन क्विल भी पकड़ना है मेरे को। चलो पकड़ लेंगे तो बढ़िया बात है, बट मेगा स्पीयर ही मैं यूज़ करूँगा, गीगा स्पीयर नहीं यूज़ करने वाला मैं इस पर। ओके पकड़ लिया, नाइस। अरे एक और पकड़ ले क्या, ब्रीडिंग करा लेंगे, ये फीमेल वर्जन है भाई। HP बहुत कम है भाई मेरा, 38 है बस। फेल बैट तू ही लर, मैं नहीं लड़ पाऊँगा अभी, थोड़ा पास चलते इसके एंड पकड़ने का ट्राई करते हैं, फेंक देते हैं। अरे यार नहीं पकड़ पाए। अरे ये कौन सा पोकेमॉन आ गया, हेल्सी फायर, ये कौन सा पोकेमॉन है? फिल बैट वापस आ भाई, अभी पंगा नहीं, जस्ट देन अभी ना इससे पंगा लेंगे, हेल्सायर जो भी नाम है इसका, हेल्सी फायर नाम है। ओके चलो अब इससे पंगा लेते हैं, चल फिल बैट मार उसको। ये ना पिछले बार मेरे को मारा था, मेरे को अच्छे से याद है, बट इस बार ना इसको तो पकड़ना ही है। थोड़ा और डैमेज देते, फिर अपना मेगा स्पीयर एंड गीगा स्पीयर दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे। अरे कितना डैमेज दिया भाई ये, अकला ना हम अपना ना अजूरो भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। चल चल फिल बैट मार भाई, और फिल बैट मार क्यों नहीं पा रहा है? चलो डैमेज तो दिया, डैमेज दिया थोड़ा और डैमेज दिया। अरे मेरे को क्यों, वापस लेते हैं। अजूरोप जा मार उसको। अरे इधर चेज भी है, बट बाद में पहले इस पहले ना इसको पकड़ ले। 285 का डैमेज, नाइस। मार अजूरो मार, अभी कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, मेगा स्पीयर गीगा स्पीयर से भी पकड़ने का ट्राई करेंगे। 44 नहीं पकड़ाया, गीगा स्पीयर से 16% चांस है, इससे तो पकड़ ही लेंगे, मैक्सिमम हमें 4-5 लगेंगे तो पकड़ लेंगे। ओके पहले से पकड़ लेंगे, नाइस। हेल्सफायर बॉस पोकेमॉन तो नहीं है, बट ये भी ना बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। अरे ये कौन सा पोकेमॉन है, ग्रीन टेल, इसको पकड़ ले क्या? ये तो न्यूट्रल है, डार्क के अगेंस्ट वीक होता है, ये अपने डार्क टाइप पोकेमॉन को यूज़ करेंगे। चल फिल बैट मार इसको। अरे भाई क्या गोली चला रहा है अपना, ये 22 लेवल वाला है ना, ये 27 लेवल वाले को मार लेगा। पकड़ लेंगे क्या? 19%, 40%, 50%, 60%, 80%, 90% पकड़ लेंगे, नाइस। ग्रीन टेल, अरे इधर क्या फाइट चल रहा है भाई, किस किस के बीच फाइट चल रहा है? अपना फिल बैट किसको मारेगा, पोकेमॉन्स को मारेगा या आर्मी वाले को मारेगा? ओके ये बंदूक वालों को मारेगा। चलो मार दे फ्लॉपी नहीं, फेल बैट क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बैठ जाते अपने फेल बैट को लड़ने देते हैं। चलो अभी इसको रिलीज़ कर देते हैं भाई, कितना क्यूट सा पोकेमॉन है, इसको कौन कैरी कर दिया भाई। चल भाई जिले अपनी ज़िंदगी। तो हम लोगों ने ना पिटालिया को मारा, एल्फिंड्रैन को मारा, एंड एक उड़ने वाले जानवर को भी मारा, बट वो ना बॉस पोकेमॉन नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। एंड हम लोगों ने और भी अच्छे अच्छे पोकेमॉन को पकड़ा, जैसे रॉबिन क्विल को भी पकड़ा है, बट एक और पर ट्राई कर लेते हैं। ओके नहीं पकड़ा है, चलो। तो हम लोगों ने ना रॉबिन क्विल को भी पकड़ा है, बट ये दूसरा पकड़ा जाएगा तो अच्छा है, बट अगली वाली एपिसोड में ना हम इस साइड जाने वाले एंड इन सब को एक्सप्लोर करने वाले, जैसे मुसांडा लक्स को हम पकड़ने वाले, जो कि फायर टाइप मुसांडा होता है। सो या बाय।